नमस्कार, मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं इन खबर। देश भर में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 2380 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 56 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4,30,49,774 पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या अब 13,433 पहुंच गई है। इससे पहले भारत में जब कोरोना के केस कम होने लगे थे तो एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 के नीचे आ गई थी, लेकिन एक बार फिर ये आंकड़ा 10,000 के पार उछाल मार रहा है। मृतकों की बात करें तो देश भर में कुल मृतकों की संख्या 5,22,062 हो गई है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो बीते 24 घंटों में राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1,009 मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 400 ज़्यादा हैं। इस अप्रैल को DDMA की बैठक में कोरोना के चलते कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, मास्क को ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना, कोविड टेस्टिंग को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, राजधानी में वैक्सीनेशन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। ऐसे में हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि एक बार फिर कोरोना देश भर में अपने पैर पसारने लगा है। बाकी देश दुनिया की तमाम नई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।